गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रिंसेस गेमर। तो भाई लोग कैसे हो? भाई लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, और जिन्हें हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम लाइव पुशिंग करेंगे पूल से। शोडाउन का मैप है, सोलो शोडाउन का स्ट्रॉमी प्लेन सर्वाइव दिए रहना। तो एंग्री रोबो वाला मैप है, तो हम इसमें डायनामाइट बेस्ट है पर हम बुल यूज करेंगे, और 339 ट्रॉफी है। तो हम देखते हैं कितना आज पुशिंग होता है। तो हम 2600 का एम है हमारा, यानी कि 2600 का। तो आज हम लाइव पुशिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ा अच्छा से खेलना पड़ेगा। तो ये मेरा थर्ड आईडी है ब्रॉयल स्टार में। तो आप लोग बताइएगा कि और किस ब्रॉलर पर चाहिए पुशिंग का। तो यहाँ एक ब्रॉलर हो सकता है, क्योंकि एक एनर्जी क्यूब हमें मिल गया, और यहाँ एक नीता है, नीता को पीछे हम पुश कर लेंगे। तो हमारे पीछे ये रोबो आ गया है, तो अच्छा बात है, हमें इससे 3 एनर्जी क्यूब मिल जाएगी। तो इसे बुल अच्छा से मार देता है, और 23,000 इसका ट्रॉफी है, मतलब कि हेल्थ। तो इसे थोड़ा ये प्रीमो दिक्कत कर दे रहा है, ये हमारा एनर्जी क्यूब लेने का कोशिश करेगा, और देखते हैं अभी 5 ब्रॉलर लेफ्ट हैं और फिर भी कितना पुशिंग होता है आज हमारा। देख सकते हैं बुल इसे कितना ज़्यादा का डैमेज दे रहा है। तो एक शॉट और ये चला जाएगा, तो हमारे पास 5 एनर्जी क्यूब हो गए हैं टोटल। ईएल प्रीमो हमारा कुछ नहीं कर पाया, और 3 ब्रॉलर लेफ्ट हैं अभी। तो हमारे पास 2 ब्रॉलर शो डाउन भी हो गया है। तो कोशिश करेंगे कि हम #1 कर लें, अगर सैलरी होगी तो करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास 10 एनर्जी क्यूब है हमारा दुगना, तो सोच सकते हैं आप। तो फिर भी कोशिश करेंगे हम 5750 और चलिए हमारे पास भी 8 एनर्जी क्यूब हो गया, ये अच्छा बात है। एक बार हेल्थ बढ़ जाए उसके बाद ये सैली गई #1। तो देख सकते हैं इस मैप में हमारा +7 ट्रॉफी हो जाएगा, और हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे। 340 ट्रॉफी हो गया, तो 10 टोकन हमें मिल जाएगा। तो लियोन पर भी हम पुशिंग का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सेकेंड आईडी में वो मेरा लियोन खुल गया लीजेंडरी ब्रॉलर, और स्पाइक ये सब पर भी आएगा वीडियो जल्दी। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें और शेयर भी करते रहें, जो ब्रॉयल स्टार खेलते हैं और फ्रेंड्स उन्हें, तो प्लेयर एक बार फाउंड हो जाए। और बुल भी इस मैप के लिए बेस्ट है, देख सकते हैं हमारा बुल का ट्रॉफी भी बहुत हाई है, तो ओपोनेंट में भी हाई ही ब्रॉलर के आते हैं। तो हमारे सामने एक प्रीमो है, इससे हम एनर्जी क्यूब नहीं ले पाए, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, हम बच के भागना है। यहाँ तो हम बच गए, पर अभी तो गए थे हम, हमें मार ही दिया रहा था अभी। तो इसमें एनर्जी क्यूब से कोई मैटर नहीं है, इसमें अगर हमारे पास नॉलेज रहता है तो हम अच्छा से पुश कर सकते हैं इजली। तो ये लियोन को हम मार देंगे, क्योंकि मुझे लियोन का पावर पता चल गया जब से मुझे लियोन मिला है, अब उतना ओपी नहीं रहा, इससे अच्छा तो क्रो है। आप क्रो यूज करिएगा और लियोन, उसके बाद बताइएगा कि कौन सा ब्रोलर ज़्यादा ओपी है। मुझे तो फिलहाल में तो अभी क्रो ही ज़्यादा ओपी लग रहा है। 6 ब्रोलर लेफ्ट हैं, और स्पाइक भी बहुत ही ज़्यादा ओपी ब्रोलर है लियोन के सामने, 3 शॉट में ख़त्म कर देगा लियोन को। तो 5 ब्रोलर, तो इधर देखते हैं कि अरे ये मेरे पीछे ना आ जाए, अभी तो डेथ हमें 4 शॉट। तो डैमेज किल सिर्फ दे पा रहे हैं अभी हम, और देखते कि इसमें एक बार क्या होता है हमारा। तो इस बार तो #1 का कोई नहीं हो पाएगा ये मुझे लग रहा है, कोई चांस नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। और
फिर से इस बुल को बहुत ज़्यादा एनर्जी क्यूब मिल जाएगा और फिर ये राउंड क्यों कर रहा है। और थोड़ा सा के लिए हैशटैग वन आ जाते हैं, पर कोई बात नहीं, हैशटैग टू में अभी प्लस सिक्स ट्रॉफी है और देख लेते हैं एक बार, हम एक मैच बैक करके एक बार उसके बाद एक मैच खेलेंगे। और अभी हमें और 10 ट्रॉफी चाहिए, टू इन ब्रोवेल बॉक्स भी हो गया, उसे भी हम ओपन करके देख लेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि बिना माइनस हुए कंटिन्यूसली पुशिंग हो जाए। अच्छा, बिना एनर्जी क्यूब के उतना काफ़ी है गाइस हैशटैग टू, तो आप सावधानी से खेले तो बहुत अच्छा बूल है इस मैप में। और सैली भी डायनामाइक से भी आप अच्छा पुशिंग कर सकते हैं क्योंकि थ्रोवर इसमें ज़्यादा चलते हैं, पर रोबो के सामने थ्रोवर कुछ नहीं है। तो 10 ट्रॉफी और चाहिए बस, उसके बाद तो हमारा आज का एम कंप्लीट हो जाएगा और 2600 हमारा ट्रॉफी भी हो जाएगा। तो ये बुल का स्किन कैसा लग रहा है गाइस, आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। तो इधर तो हमें एक एनर्जी क्यूब मिल गया है, तो ये एंग्री रोबो को तो पीछे लाना पड़ेगा और ये बुल लेने का कोशिश करेगा हमको लग रहा है। इधर एक सैली भी है तो इधर जाना ठीक नहीं है फिलहाल, तो यहाँ से निकल लेना ही ठीक है। तो ये सैली मेरे पीछे पड़ गई है और ये मुझे मार दी, बच गया बहुत मुश्किल से बचाए हैं देख सकते हैं आप। और ये सैली हाथ धो के पड़ गई थी, तो इधर प्रीमो भी है तो बचना पड़ेगा थोड़ा। तो आज तो मेरा गया, दो बार बचा हूँ बहुत मुश्किल से। जब डैमेज पड़ता खुद को तो भाग जाता है, और वैसे तो अभी तो मैं बचा बहुत मुश्किल से दो बार। फिर भी फोर ब्रोलर लेफ्ट हैं, उन्हें मारने दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे पुशिंग करने उस पर। तो ये रोबो प्रीमो के पीछे पड़ गया है और टू स्पेक्टर भी हो गए हमारे। तो एक बार मैं ब्रोवेल टीवी में लाइव आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आया हूँ, मतलब कि वो देंगे जिन्हें उन्हें ही मिलेगा। यहाँ क्यूब के चक्कर में अभी लड़ाई होगा, तो देखते हैं स्टेप वन का कोशिश करेंगे गाइस। तो नहीं होगा स्टेप वन, है स्टेप टू प्लस सिक्स ट्रॉफी और थोड़ा सा के लिए नहीं मरा, एक और मैच के बाद हमारा हो जाएगा 10 ट्रॉफी और मतलब कि 4 ट्रॉफी चाहिए। तो कोशिश करेंगे हैशटैग वन का और लगातार हम हैशटैग वन या फिर हैशटैग टू कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बुल इस मैप में बहुत अच्छा है, ओपी है और लो लेवल का बुल भी काफ़ी है, मतलब कि 3 शॉट्स में वो एनर्जी क्यूब को ब्रेक कर देता है। और देख लेते हैं इस मैप में क्या होता है मैच में। तो वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है क्योंकि कोई प्रॉब्लम था गाइज, तो देखते हैं हम। प्रीमो हमारे पीछे आ रहा है, हम उसे थोड़ा डैमेज देंगे तो वो नहीं आएगा, तो वो दो बॉक्सेस के पीछे गया है, पर यहाँ मैं फ़ायदा उठाता हूँ थोड़ा, निकलना ही ठीक है। चलिए, हमें 3 एनर्जी क्यूब मिल गया है और इधर एक सैली भी है, तो हमें एक और एनर्जी क्यूब मिल जाएंगे। और एक यहाँ भी है फ्री का एनर्जी क्यूब, दो कोई का फाइटिंग में कभी मत घुसिएगा क्योंकि आप ही को डैमेज पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो डैमेज देते रहिए बस। और थोड़ा दूर ही रहिए ये प्रीमो पर से, क्योंकि अगर वो जंप करेगा तो आपको मार सकता है, पर हमारे पास अभी हेल्थ ज़्यादा है उससे, तो उतना भी डरने का बात नहीं है। और आपका लो लेवल का बुल थोड़ा हाइट रहने का कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, 4 ट्रॉफी और चाहिए बस।
एक कोल्ड के पीछे पड़ गया है। तो हम थोड़ा हेल्थ का इंतज़ार कर लेते पढ़ने का। तो हमारे पास एनर्जी क्यूब 8 एनर्जी क्यूब हो गए हैं। तो गया ये प्रीमो लालची के चक्कर में। 3 एनर्जी क्यूब है सैली के पास, पर उसका जो एबिलिटी रहता है बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ये थोड़ा लैग हो रहा है, गया। तो आज का हमारा एम कंप्लीट हो गया। एक बार हम बैक कर लेते हैं और गोल्ड कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा एक भी ब्रोलर अभी तक तो मैक्स नहीं हुआ बिग आईडी में, पर एक प्लेयर है हमारा क्लब का। तो अब अगर आप क्लब ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक और टैग डिस्क्रिप्शन में है, तो मैं दे दूंगा। और टॉप रैंकिंग 300 में हमारा क्लब आता है, तो देख सकते हैं गांव जो प्लेयर है उसका एक ईएल प्रीमियम मैक्स हो गया है लेवल 10 का, पर अभी तक मेरा नहीं हुआ है। ये मेरा मेन आईडी है जो कुणाल किंग का है, एक भी ब्रोलर मैक्स नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं अभी 21 ब्रोलर हैं और हम गोल्ड एक बार कलेक्ट कर लेते हैं और बॉक्सेस को भी ओपन कर लेते हैं। 150 गोल्ड बहुत ज़्यादा है, और दो बार टैप टैप का ऑप्शन आएगा तब हम करेंगे टैप, क्योंकि इससे मेरा ब्रोलर खोलने का चांसेस ज़्यादा रहता है और खुला भी है, इसीलिए मैं यही करता हूँ। आप लोग भी ट्राई करके बताइएगा कि आपका खुलता है कि नहीं। तो दो बार टिप टिप हो गया, कोई ब्रॉलर नहीं मिला। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा।